कुछ दिन पहले ये रिपोर्ट आई थी कि HAL तेजस मार्क 1A की पहली यूनिट की डिलीवरी 15 अगस्त तक करेगा। नाउ हमें ये भी पता है कि इसकी डिलीवरी ऑलरेडी 4 से 5 महीने लेट हो चुकी है, क्योंकि ओरिजिनल शेड्यूल के अकॉर्डिंग LCA की डिलीवरीज मार्च एंड से स्टार्ट होनी थी, बट कुछ क्रिटिकल कॉम्पोनेंट्स, सॉफ्टवेयर इशूज और सर्टिफिकेशंस की वजह से एयरक्राफ्ट के डिलीवरी टाइमलाइंस को ना चाहते हुए भी आगे शिफ्ट करना पड़ा। इसके बाद बात करें LCA मार्क 1A के पूरे डिलीवरी शेड्यूल की। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर HAL के पास तेजस की 83 यूनिट्स का ऑर्डर है, बट ये पूरा डिलीवरी शेड्यूल अनफॉर्चुनेटली डिले होने वाला है, या सीधा सीधा कहें तो डिले हो चुका है। नाउ इस डिले का जो मेन रीज़न है वो है इंजन्स की सप्लाई। जैसे हमें पता है कि LCA में जनरल इलेक्ट्रिक के GE F404 इंजन का यूज़ किया जा रहा है, बट जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से इन इंजन्स की डिलीवरी में ऑलरेडी डिले हो चुका है, जिसकी वजह से HAL ना चाहते हुए भी फाइटर जेट्स को टाइम पर डिलीवर नहीं कर सकती। नाउ इस पर जो अमेरिकन कमेंट्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग कंपनी की तरफ से, मतलब जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से, कोई इशू नहीं है। ये ग्लोबल सप्लाई चेन इशूज की वजह से है, और इससे सिर्फ इंडिया के इंजन ऑर्डर्स पर ही इफेक्ट नहीं पड़ा, बट इन सप्लाई चेन इशूज की वजह से पूरे नॉर्थ अमेरिका की स्पेस इंडस्ट्री भी अफेक्ट हुई है। इसके बाद बात करें इंजन्स के कॉन्ट्रैक्ट की, तो अगस्त 2021 में HAL और GE के बीच 99F404IN20 इंजन्स की सप्लाई के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, जिसकी डिलीवरी इस साल मार्च से स्टार्ट होनी थी। 83 LCA का कॉन्ट्रैक्ट MOD ने फरवरी 2021 में HAL को दिया था, और इंजन्स का एग्रीमेंट GE के साथ अगस्त 2021 में हुआ। नाउ एयरक्राफ्ट्स का ऑर्डर था 83 का, बट इंजन्स इंडिया ने ऑर्डर किए 99। इन एडिशनल इंजन्स को रिजर्व रखा जाता है ताकि फ्यूचर रिक्वायरमेंट को इमीडिएटली पूरा किया जा सके। कोई इंजन मैलफंक्शंस हैं या टेक्निकल इश्यूज हैं, उन केसेस में रिजर्व्ड इंजन को क्विकली एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट किया जा सकता है। नाउ जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से जो इंजन्स की डिलीवरी की जानी है, कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग उनका डिलीवरी रेट HAL के एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन एंड डिलीवरी रेट के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि तभी HAL अपनी फुल प्रोडक्शन कैपेसिटी को प्रैक्टिकली यूटिलाइज कर पाएगा। और HAL की करंट प्रोडक्शन कैपेसिटी है 16 LCA पर ईयर, सो अगर हर साल जनरल इलेक्ट्रिक HAL को 16 इंजन्स डिलीवर करेगा, तभी HAL IF को 16 एयरक्राफ्ट डिलीवर करने में कैपेबल होगा। अगर इंजन्स कम डिलीवर होते हैं तो सिंपल है कि उसका एयरक्राफ्ट की डिलीवरी पर सीधा सीधा असर पड़ेगा। बट करंट सिचुएशन ये है कि जनरल इलेक्ट्रिक ने अभी तक HAL को एक सिंगल इंजन भी डिलीवर नहीं किया, और जो पहले LCA मार्क 1A की डिलीवरी 15 अगस्त तक होनी है, उसमें भी कैटेगरी बी इंजन को इंटीग्रेट किया गया है। कैटेगरी बी का मतलब है रिजर्व इंजन। ये इंजन या तो यूज्ड इंजन है, या इस इंजन को जनरल इलेक्ट्रिक से प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट में प्रोक्योर किया गया था, जब IAF ने HAL को 40 LCA मार्क 1 वेरिएंट्स का ऑर्डर दिया था, जिसमें 20 इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस स्टैंडर्ड्स और 20 फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस स्टैंडर्ड एयरक्राफ्ट शामिल थे। सो इस फर्स्ट LCA MK1A की फरवरी मार्च में जब टेस्ट फ्लाइट्स शुरू हुई थी, तो उसको नए इंजन के बजाय कैटेगरी बी यानी के रिजर्व्ड इंजन ही पावर दे रहा था। हालांकि GE ने HAL को इन्फॉर्म किया है कि कंपनी इंजन्स की डिलीवरी सितंबर से शुरू करेगी, और आगे का डिलीवरी शेड्यूल 1 से 2 इंजन्स पर मंथ के हिसाब से चलेगा। बट IAF इससे संतुष्ट नहीं है, क्योंकि अगर जनरल इलेक्ट्रिक सितंबर डेडलाइन को भी पूरा करती है, तो क्या गारंटी है कि आगे की सप्लाई कंसिस्टेंट रहेगी। सो IAF के पास वेट करने के अलावा अब कोई चारा नहीं है, बट HAL का कहना है कि वो अपने डिलीवरी शेड्यूल पर स्टिक रहेंगे, बशर्ते इंजन्स की सप्लाई टाइम पर हो। इसके अलावा HAL LCA MK1A की प्रोडक्शन के लिए नासिक में भी नई असेंबली लाइन का सेटअप कर रही है, और इस लाइन के फंक्शनल होने के बाद HAL का 2026 से हर साल 24 LCAs डिलीवर करने का टारगेट है। बट दोबारा सवाल वही है कि अगर इंजन्स की सप्लाई एयरक्राफ्ट की प्रोडक्शन कैपेसिटी से मैच नहीं करती, या 24 की बजाय सपोज 15 से 20 इंजन्स ही GE डिलीवर करती है, तो HAL की इंक्रीज्ड प्रोडक्शन कैपेसिटी का कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला। सो LCA की डिलीवरीज में डिले IAF के लिए काफ़ी कंसर्निंग होगा, क्योंकि हर साल IAF की स्क्वाड्रॉन्स कम हो रही हैं। MiG-21s की लास्ट 2 स्क्वाड्रॉन्स भी अगले साल तक पैकआउट होने वाली हैं, जिसके साथ
IAF की करंट 31 में से दो और स्क्वाड्रॉन्स कम हो जाएंगी, पर अगले साल तक LCA की दो नई स्क्वाड्रॉन्स को रेस करना करीब करीब इम्पॉसिबल होगा। इवन मिक्स की ये जो दो लास्ट स्क्वाड्रॉन्स हैं ये फुल कैपेसिटी से ऑपरेट नहीं कर रही, क्योंकि देखा जाए तो एक स्क्वाड्रॉन में 18 एयरक्राफ्ट्स रखने की सैंक्शनिंग है, बट इन दो स्क्वाड्रॉन्स के ऑपरेशनल मिक्स के नंबर्स बहुत कम हैं। इसी वजह से IAF ने कुछ टाइम पहले अपने सूरतगढ़ बेस्ड MiG-21s को नाल एयरबेस जो कि बीकानेर के पास है वहाँ पर मूव किया था, और क्योंकि हर साल MiG-21s की स्क्वाड्रॉन्स को फेस आउट किया जा रहा है तो बहुत सारे बेसिस जहाँ पर ये फाइटर्स तैनात थे वो अब खाली हैं, और इन एम्प्टी बेसिस की जिम्मेदारी अब सुखोई 30s को दी गई है, मतलब सुखोईज़ का एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा दिया गया है। बट इससे एयरक्राफ्ट के फ्लाइंग आवर्स बढ़ेंगे, जिससे वियर एंड टीयर भी ज़्यादा होगा और एयरक्राफ्ट्स को ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ेगी। सो रिड्यूसिंग स्क्वाड्रॉन पॉइंट ऑफ व्यू से जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा इंजन्स डिलीवरी में डिले और फर्दर LCAs की डिलीवरी में डिले IAF के लिए कंसर्निंग इशू है, और तेजस के इन एडवांस्ड वेरिएंट्स की इंडक्शन इसलिए भी क्रूशियल है क्योंकि ये प्रीवियस वेरिएंट का अपग्रेडेड वेरिएंट है जिसमें बहुत सारी एनहेंसमेंट्स की गई हैं जो इंडियन एयरफोर्स की कॉम्बैट कैपेबिलिटीज़ और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को मजबूत बनाएंगी। MK-1 और MK-1A में जो प्राइमरी डिफरेंस है वो है एवियोनिक्स सूट का। MK-1A एडवांस्ड एवियोनिक्स सूट से इक्विप्ड है जिसका एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे रडार यानी कि AESA रडार MK-1 के मुकाबले सुपीरियर टारगेट डिटेक्शन और ट्रैकिंग कैपेबिलिटीज़ ऑफर करता है, और MK-1 में मैकेनिकली स्कैंड रडार है। इसके अलावा कई तरह की एडवांसमेंट्स हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट जिसमें सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर और एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स जैसे फीचर्स हैं जो हॉस्टाइल एनवायरनमेंट्स में एयरक्राफ्ट की सर्वाइवेबिलिटी को बढ़ाता है, और ओरिजिनल MK-1 में यह कॉम्प्रिहेंसिव EW सूट की सुविधा नहीं है। इसके अलावा तेजस MK-1A कई तरह के एडवांस्ड वेपन्स को कैरी कर सकता है जिसमें बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स, प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस और स्टैंड ऑफ वेपन्स शामिल हैं, और इसके बाद और कई तरह की एडवांसमेंट्स हैं जो LCA तेजस को एक फुली इवॉल्व्ड और मैच्योर एयरक्राफ्ट बनाएंगी। बट अब ये देखना होगा कि कब तक इनकी कंसिस्टेंट डिलीवरीज स्टार्ट होंगी।